तो तुम लोगों ने TNT से घर उड़ाए होंगे, बेसिस उड़ाए होंगे, अपने दोस्तों के फार्म उड़ाए होंगे। अगर मैं कहूँ आज के स्टूडियो में हम लोग वो सब नहीं उड़ाने वाले, हम उड़ाने वाले हैं पूरी कंट्री ही, वो भी सिंपल TNT से नहीं, सुपर डुपर TNT से। और ये सब पॉसिबल होने वाला है मॉड्स और मैप से। मैंने डाउनलोड किया TNT का मॉड और अर्थ का मैप। एंड अगर तुमको भी ये मॉड और मैप चाहिए तो मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस हम लोग गेम में तो आ चुके हैं। एंड यहाँ पे भाई साहब आई डोंट नो, हम लोग पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हुए हैं। और भाई इस वर्ल्ड में मेरे पे इतने ज्यादा गिर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ ब्रो, बहुत लैगी वर्ल्ड है क्योंकि पूरा हमारा अर्थ मैप है। अभी तुमको दिखाता हूँ ये कैसा मैप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मॉड भी डाल दिया इधर मिनी मैप वाला। वेट, हम लोग क्रिएटिव में चलते हैं। ये है मिनी मैप, इसमें हमको पहले घूमना पड़ेगा तब जाके पूरा मैप लोड होगा। बट मेरे पास एक ऐसा मैप उन्होंने दिया है मॉड वालों ने, तो इधर देखो अभी हम लोग इधर है। ये हम लोग को जगह याद करनी पड़ेगी हम लोग कहाँ पे हैं, तभी हम लोग ढूंढ पाएंगे इंडिया किधर है। चलो ये एरिया ऐसा इधर बॉर्डर, इधर दो तीन कंट्रीज है। ये जो है ना ये ऐसे ये बॉर्डर है हमारा। ये देखो ये है वो ब्रिक्स है, स्टोन ब्रिक्स। तो ये बॉर्डर बने हुए सारे अलग अलग कंट्री के, मतलब ये अलग कंट्री, अलग कंट्री, अलग कंट्री। तो ये देखो ये हमारा मैप है और हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग कहीं भी हो सकते, यहाँ हो सकते, यहाँ हो सकते, यहाँ हो सकते, बट डेजर्ट वाले रहता तो हम लोग इधर ही एरिया होंगे इधर से लेके इधर। और ये थोड़ा इंडिया के पास है, लेट्स गो। हम लोग चेक करते हैं हम लोग किधर साइड थे। वेट, ये वाला एरिया दिख रहा है तुमको, ये वाली जगह पे हम लोग थे आई गेस। यस ये वाला एरिया था। ये देखो ये ब्रिक्स लगी हुई थी ना इधर अलग अलग कंट्रीज थी। यस हम लोग इंडिया के बहुत पास में है भाई, हम लोग इधर साइड पे और ये इधर है। यस लेट्स गो, हम लोग को इधर से इधर जाना। और इंडिया मेरे को दिख भी रहा है और ये शायद गुजरात है क्या। यस वेट सो हम लोग इधर पे, यस गुजरात ही है भाई, वो पास में ही है। लेट्स गो इंडिया पे आ गए हम लोग भाई, पास में स्पॉन हुए थे इंडिया की, ये काफी सही चीज है। तो मैंने डे कर लिया एंड इधर था इंडिया। वेट थोड़ा सा इधर चलते हैं, अभी मैप खोलते हैं। यस सही जा रहा है, ये हमें इंडिया दिख भी रहा है। यस ये गुजरात है। लेट्स गो भाई, पास में आ गए हम लोग इंडिया के। ब्रो इधर बॉर्डर बना हुआ है, शायद हम लोग इंडिया में एंटर कर चुके हैं। हम लोग आई गेस इंडिया में एंटर कर चुके हैं। इधर रिवर भी है, फाइनली हम लोग इंडिया में आ चुके हैं और मेरे पास TNTs भी है दोस्तों। लेट्स गो, हम लोग कुछ तो डिसाइड करते हैं पहले कौन सी कंट्री डिस्ट्रॉय करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्पिन बिन व्हील जो भी बोलते हैं इसको आ गया। तो हम यहाँ पे स्पिन करेंगे और जौन से भी कंट्री पे आएगा हमारा ये पिन, वो कंट्री को उड़ाने वाले हैं। अब वो इंडिया पे भी आ सकता है, श्रीलंका पे भी, चाइना पे भी, पाकिस्तान पे भी। मेरे को ये चार कंट्री सूझ रही थी, दैट्स व्हाई मैंने ये चार कंट्री ऐड की थी। तो लेट्स गो ब्रो, अभी आई डोंट नो किस पे आने वाला है। एंड श्रीलंका पे आ गया भाई, इतनी छोटी सी कंट्री है वो तो तुरंत उड़ने वाली है। लेट्स गो। बट श्रीलंका को उड़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ तुमको फ्यूजन नेटवर्क्स के बारे में। ये सर्वर मेरे को बहुत पसंद है, इसमें हम लोग लाइफ स्टाइल, ड्यूएल्स, PvP प्रैक्टिस सब कुछ खेल सकते हैं। तो अभी हम लोग फ्री फॉर ऑल में चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे गेम मोड आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी खेल सकते हो। आप खुद ज्वाइन कर सकते हो सर्वर, खेल सकते हो फ्यूजन नेटवर्क्स में। एक्सेंट शील्ड ज्यादा बेटर है, इसमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आते रहे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते रहते हैं। आप उनके साथ भी खेल सकते हो, उनके साथ PvP प्रैक्टिस कर सकते हो। वो लेस को मार दिया हम लोगों ने एक को। सो जब तक मैं इधर PvP प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप इनके सर्वर को वोट भी कर सकते हो। वोट करने से आपको इन गेम रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे आप अच्छे अच्छे स्टफ और भी बहुत कुछ ले सकते हो। और आप रैंक्स भी बाय कर सकते हो इनके डिस्कॉर्ड से, इनके डिस्कॉर्ड के लिंक डिस्क्रिप्शन। तो तुम देख सकते हो हम लोग अभी गेम में आ चुके हैं और हमारा श्रीलंका किधर है, नीचे साइड है भाई। यार इसमें खेलने में लेकिन कितना मजा आएगा यार, अगर हम लोग इसमें सर्वर बनाए और सब साथ में खेले भाई कितना मजा आएगा। डू ट्राई कर सकते हैं, कमेंट में बताना अगर तुमको चाहिए तो। एंड ये श्रीलंका है। यस श्रीलंका को तो हम पूरा कैप्चर कर सकते हैं भाई, एक बार लोड कर लेता हूँ मैं अच्छे से, फिर पूरा ऊपर से देखते हैं ये भाई। तुम जो TNT है ना, तुम विश्वास नहीं करना, वो बहुत भयानक भयानक TNT मैंने चूज किए हैं। ज्यादा 1000 TNT तो नहीं किए हैं मैंने, सिर्फ 8 ही हैं, बट भाई वो सभी मस्त मस्त है। मैंने बस एक TNT देखा है, उसी को देख के लग रहा है बहुत मस्त है सारे। तो यहाँ पे हमारे इतने TNT है न्यू, ये तो हमारा बेसिक TNT है जो मिलता है हमारे पास। एक स्पार्कल TNT, एक पिंक TNT, फाउंटेन TNT है, एक गीजर TNT है, एंड लास्ट अल्टीमेट TNT, ये सबसे मस्त है। एंड सबसे पहले हम नॉर्मल TNT देखना, इसका एक्सप्लोजन कैसा होता है भाई। एंड इसका एक्सप्लोजन भाई, इतने दूर पे भी खड़े रहो तो भी डरना नहीं पड़ेगा तुमको भाई, कितना गंदा एक्सप्लोजन छी। लेट्स गो, देखते हैं स्पार्कल TNT इसको बीट कर पाता है या नहीं। एंड लेट्स गो स्पार्कल TNT, मेरे को नहीं पता। ओ ब्रो ये तो TNT फेंक रहा ऊपर, ये तो हवा में फट जाएंगे, बट फटे नहीं। ओ भाई इस फाकल TNT ने तो भाई श्रीलंका के चारों कोनों में फेंक दिया, इतना छोटा है ये भाई, बहुत छोटा बना हुआ है इधर, इसे और थोड़ा बड़ा बनाना था उनको। पिंक TNT ये तो भाई मेरे को नहीं पता भाई ये कौन कैसा है, मेरे को उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं भाई, ये तो और खतरनाक है भाई। यार फैलन इसको, हाँ मेरे पास आइडिया है, थोड़ा दूर चले जाएंगे भाई इस बार, इसको पेड़ के ऊपर फोड़ते हैं, तब जाके इधर फोड़ते हैं तो ये चारों साइड फैलेगा अच्छे से। इसको लगा के दूर चलते हैं वरना लैग हो जाता है भाई, इससे बहुत गंदा वादा।
ये देखो अभी फैला ना भाई, क्या दूर तक फैला है अभी। अभी एक्सप्लोजन हो गया, पास जाना पड़ेगा तब लोड होता है ये, और लोड होता है तो लैग होता है भाई। एक्सप्लोजन हो गया अभी, ये पिंक टीएनटी मस्त है। अभी सबसे मस्त मेरे को पिंक टीएनटी लगा, फाउंटेन टीएनटी, इससे फाउंटेन बनेगा एक, ऐसा नाम वैसा ही काम होगा इसका भाई। ये फाउंटेन है, फाउंटेन ऐसा तो नहीं होता, मैं तो सुना था ऊपर होता है। ये तो कुछ ज्यादा ही दूर फेंक दिया भाई, पानी में चले गए टीएनटी, फाउंटेन टीएनटी फुस हो गया भाई। इधर भाई दीपावली पे सब पटाखे फोड़ते हैं, हम कंट्रीज में जाके टीएनटी फोड़ रहे हैं। अरे भाई ऐसे, हाँ ये वीडियो दीपावली के बाद आ रही है, तो मैं हैप्पी दिवाली भाई एडवांस 2024 के लिए। गीजर टीएनटी, लेट्स गो, देखते हैं गीजर टीएनटी क्या। गीजर भाई, ये फाउंटेन टीएनटी लग रहा है मेरे को भाई, फाउंटेन ऐसा होता है डूड, अलग अलग काम है भाई इसका। इस गीजर को वैसा रखता था फाउंटेन टीएनटी की तरह, फाउंटेन को गीजर की तरह। लेट्स गो, अभी हमारा लास्ट टीएनटी, हम लोग इसको पहाड़ के ऊपर यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे यूज करते हैं अल्टीमेट टीएनटी से क्या होगा। अल्टीमेट टीएनटी नाम तो बड़ा है, लिखते हैं इसका काम कैसा है भाई। ये क्या है ब्रो, भाई इसने ये गीजर टीएनटी को मल्टीप्लाई कर दिया, बट यार इसको हम लोग को नीचे लगाना पड़ेगा, और नहीं पूरा पानी में ही जा रहा है भाई। नहीं भाई, आधे से ज्यादा तो इधर ही रह गया, अगर आधे पानी में ना जाते पूरा उड़ गया भाई श्रीलंका तो। अभी हम लोग इसको इधर लगा देते हैं, अभी देखना भाई, अभी स्टक हो जाएगा यही, बहुत तगड़ा धमाका होने वाला है, सारी आस पास ही गिरे ब्रो। भाई उधर क्या भसड़ मची है टीएनटी की, मेरा गेम बहुत गंदा लैग हो रहा है, दूर होता हूँ ब्रो, ये क्या चल रहा है भाई। पूरा श्रीलंका उड़ा दिया हम लोगों ने, इतने 5 टीएनटी ने एक कंट्री को खत्म कर दिया भाई। लेकिन ये कंट्री वैसे बहुत छोटी थी, तो अगर तुम चाहते हो लाइक हम लोग बड़ी कंट्री को डिस्ट्रॉय करें इससे, लाइक जैसे इंडिया, चाइना, रसिया, ये सारी कंट्री जो बड़ी बड़ी है लैंड में, तो वो देखते हैं मतलब ये 5 टीएनटी डिस्ट्रॉय कर पाएंगे क्या उनको। तो कमेंट में बताना मेरे को नेक्स्ट कौन सी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।